इस बीच आप ये देख रहे हैं सीधा एसबीआई हेडक्वार्टर से एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, हो सकता है कि इस समय जो इन्होंने रेट कट किया है इतना अग्रेसिव उस पर, और साथ ही नोटबैंक के बाकी इंपैक्ट पर. In the sense that you may have noticed that we have cut lending rates, but we have not cut deposit rates. Okay, so basically this is a liquidity driven rate cut. The liquidity of course is unprecedented, given the fact that what we did in the first 9 months of the year, we have done that and almost half of that. That is 1.5 times that in the space of 50 days. So obviously with this unprecedented liquidity, it was also followed by the fact that credit growth during this period had really gone down. Not only because our people were not in a position to take up all that work, but also because there were a lot of payments, prepayments. Now, as a result of both of these two things, well, whereas liquidity went up sharply, your deposit growth went up sharply, your credit growth obviously fell. So given these two parameters, the amount of resources available to us improved to a great extent, and the rate cut is basically driven by that. Now obviously there is a view that much of this liquidity will flow out. We haven't seen much of it flowing out during the last 50 days, but we also believe that quite a bit of it will flow out. When that happens, we will need to look at deposit rates to see how we can maintain the rates where we have brought them. We believe that it can be done, and that is the reason we have gone ahead and done this. Of course, you know, we also wish to give a very clear signal that we are open for business, that there is demand in the economy, and there should not be any uncertainty on this. And definitely, you know, we would like to see credit growth getting jump started, and that is the thought behind this particular rate cut. सभी के मुकाबले सबसे कम होगी, तो जो दूसरे ग्राहक है, दूसरी बैंकों के ग्राहक है, तो अगर वो चाहते हैं शिफ्ट होना, तो उनके लिए किस तरह के चार्जेस होंगे या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, या वो एक पूरा पेचीदा होगा? नहीं, ऐसा है कि दूसरे जो बैंक के ग्राहक हैं, वो अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके जितना जो हम लोग का जो ड्यू डिलीजेंस है, वो तो हम लोग को करना पड़ेगा. हमारे अपने बैंक के ग्राहक अगर आते हैं हमारे पास और चाहते हैं कि आज की रेट पे वो उनका लोन स्विच ओवर करे, तो स्विच ओवर की एक फीस होती है, मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम इज 0.5%. लेकिन इस बार के लिए हम लोग ये भी डिसाइड किए हैं कि ये जो हमारी स्विच ओवर फी है, वो हम लोग लोन के साथ जोड़ देंगे, ताकि उनको अपफ्रंट देने की जो असुविधा होती है वो न होए, और वो हमारी जो अब की रेट है और अब की स्प्रेड है उस पे आ पाए. ऐसा है कि रिजर्व बैंक ये भी कहती है कि अगर आप खाली बेस रेट से एमसीएलआर लेना चाहते हो, स्प्रेड जितना है उतना ही रखना चाहते हो, तो उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं. उसके लिए खाली हमारे पास आके एप्लीकेशन करना पड़ता है, उनका जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है उसको साइन करना पड़ता है, उससे हो जाता है. लेकिन अदरवाइज अगर पूरी की पूरी स्विच करना चाहते हैं आज की रिजीम पे, तो उनकी ये स्विचिंग फी लगेगी. लेकिन स्विचिंग फी दे के भी अगर आप देखेंगे, हमारा आज का जो ईएमआई आ रहा है, हम लोग 30 लाख के लिए एक नया लोन लाए हैं अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए. ये अफोर्डेबल सेगमेंट की जो लोन है, ये हम लोग 8.5% में 2 साल के लिए देंगे. इसके बाद ये एमसीएलआर से जुड़ जाएगी, और आज के दिन में इसके ऊपर जो स्प्रेड है वही स्प्रेड रहेगा, खाली उस टाइम के एमसीएलआर से जुड़ेगा. ये कोई मीडिया हाउस कह रहे थे कि जैसे हम लोग पहले लाए थे, जिसको उस समय टीजर लोन कहा गया था, उस तरीके का लोन है, लेकिन ये उस तरीके का लोन नहीं है. ये हमारी एमसीएलआर के ऊपर ही स्प्रेड है, और खाली जो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि 2 साल के लिए ये फिक्स रहेगा, उसके बाद एमसीएलआर से ये जुड़ेगा. अगर इसको आप ले आज के मुकाबले में, आपका पर एनम सेविंग 19,356 रुपया होगा, और उसको हम लोग सोच रहे थे कि अगर 30 साल के लिए लोन हो, तो
580,680 रुपये की सेविंग्स होगी 30 लाख के लोन पे, ठीक है। अच्छा, हमारे जो रेगुलर लोन है 50 लाख तक, उसमें हम लोग 8.6% देने को सोच रहे हैं, देने को तय किए हैं। इसमें आपको हर महीना की ईएमआई पे 2,333 रुपये की सेविंग होगी, 2,333 रुपीज सेविंग पर मंथ। द पर एनम सेविंग विल बी 27,996 एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स इफ यू सी द सेविंग विल एक्चुअली बी 8,39,880 रुपीज। इनफैक्ट वी वर वर्किंग आउट दैट इफ समबडी पुट्स इट इनटू अ रेकरिंग डिपॉजिट व्हाट हैपेंस। If you put it into a recurring deposit for the same period, you will actually get 25,80,714. So you can imagine what is the impact of the cut that is there. And pardon? Yeah. That rate we are presuming at 6.5%. If you put it in RD, that is what madam is saying. Yeah. No, later on, if again it goes up, that's a separate issue. But as of now, what is the impact? We are trying to say as of now the impact, then you take a per month impact. Even a per month impact of 2,333 rupees is not a small impact for anybody. And a 50 lakh is a regular loan, means most people today have loans that are around 50 lakhs. And for that matter, if you look at our book, in our book the average loan size of a home loan is 30 lakh. So even for an average loan size, your saving is more than 1,613 rupees per month, which is not a small amount of saving. नहीं, existing customer के लिए उनको उसको स्विच करना पड़ेगा। जैसे हम कह रहे थे, अगर वो एग्जैक्टली आज की स्प्रेड और आज की MCLR लेना चाहते हैं, then they have to come to us and do a switch. और स्विचिंग फी जो है 10,000 रुपया मिनिमम है, 0.5% मैक्सिमम है, और वो स्विचिंग फी हम लोग इस बार उनको ये सुविधा देंगे कि वो लोन से ही उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ताकि अपफ्रंट उनको कोई पैसा ना देना पड़े। तो ये थी अरुंधति भट्टाचार्य, SBI चेयरमैन, जो रेट कट इन्होंने एक तरीके से अग्रेसिव किया है, एंड they've actually set a benchmark इंडस्ट्री के लिए। अभी इनफैक्ट सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज HDFC लिमिटेड और ICICI बैंक की भी एल्को मीट इस समय चल रही है एज वी स्पीक, और जल्द ही उनकी तरफ से भी ब्याज की दरें घटाई जा सकती है। हमारे साथ इस बीच पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सो